पत्थर दिल वाला होगा वही नहीं रोएगा, नहीं सबके आंखों से कहीं ना कहीं जो आंसू वो आंसुओं का बौछार बिल्कुल दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं लोग पूरे के पूरे लोग आज रोते हुए नजर आ रहे हैं मालती चौहान के लिए। अब उनको लोग याद करके रो रहे हैं, जो भैया उनके घर के लोग हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, अभी आप लोगों को कुछ नंबर दिए हैं गूगल पे फोन पे, उनके घर के लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी वो नंबर मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही नंबर मिलता है तो हम आप लोगों से अपील करेंगे कि उस बच्चे के लिए, और आप लोग मालती चौहान के फैन हैं इसलिए उसमें आप गूगल पे फोन पे नंबर जब आपको दे दिया जाएगा तो उसमें आप लोग जो चाहें 10 रुपये, 1,000, 2,000 जितना आपकी व्यवस्था हो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन आज का यह दृश्य जो है वो कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करने वाला है कि एक सक्सेस यूट्यूबर, एक सक्सेस शख्सियत की जिस तरीके से रहस्यमयी तरीके से जो मौत हुई है वह कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत गंदा कृत्य है। और आपको बता दें कि जब मालती चौहान से हमने बात किया तो वह एक आयरन लेडी की तरह एकदम बिल्कुल कड़े शब्दों में उन्होंने बताया था कि हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करने की कसमें खाने के बाद इस तरीके से जो रहस्यमयी तरीके से मालती चौहान का ऐसा हाल हो जाता है, यह कहीं ना कहीं शक का सुई जो है ये बहुत तेज़ी से घूम रहा। तो रिपोर्ट आ गया है, पीएम रिपोर्ट आ गया है, पीएम रिपोर्ट के बाद से लोग अब जांच पड़ताल में लगे हैं कि किस तरीके से होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये है, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे उनके फैंस हैं जो यहाँ पर मौके पर आके रो रहे हैं। और आपको बता दें कि जो मर्यादा होती है हिंदू धर्म में कि महिलाएं सौदागिरी पे नहीं आती हैं, लेकिन उस अपने मर्यादा को कहीं ना कहीं उस मर्यादा को तोड़ के ये लोग अपने सारे सब कुछ छोड़ के छोड़ के लेकिन आज देखिए किस तरीके से लोग अंतिम दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। और आपको बता दें कि निशा जलवंशी जो लगातार उनके साथ भी रही हैं, तो हम उनसे भी एक बार जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, आप देख सकते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं उनके उनको देख के हमारी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हम उनसे कुछ पूछें। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रो रो के आज सारे लोगों का बुरा हाल है, और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं। और आपको बता दें कि जब ये मामला हुआ था तो ये दिल्ली में थी और दिल्ली से यहाँ पर इस तरीके से आ गई हैं, और पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि जो रोने का माहौल जो है वह कहीं ना कहीं पूरा गमगीन माहौल है कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ एक काफ़ी लंबा चौड़ा भीड़ है। और भीड़ को हम दिखाने की बात करें तो आज पूरा बिढ़र घाट जो है, ये पूरा बिढ़र घाट आज मालती चौहान के नाम पर पूरा भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग एक बार मैं कोशिश करता हूँ और निशा जी आज जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जितने ही जो मतलब कि यहाँ पर पुरुष हैं उससे कहीं अधिक जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई हुई हैं। कहीं कहीं से सबका जो है लोगों का अपना एक दर्द है और लोग अंतिम संस्कार देखने के लिए यहाँ पर अश्रुधारा बहाते हुए यहाँ पर जो है आए हुए हैं। कहीं कहीं से देखिए बिढ़र घाट पर लोग लगे हुए हैं और गोरखपुर से आप देख सकते हैं कि लोग बाहर से आए हुए हैं, मतलब हर जिले से लोग आए हुए हैं उनको चाहने वाले जानने वाले, और पूरा का पूरा भीड़ इस समय लगा हुआ है। और आप देखें वहाँ तो नहीं चल रहा है, नया समय देखिए लोग यहाँ पर बराबर आ जा रहे हैं, और ये भी देखिए गोरखपुर से आई हूँ और यहाँ पर देखिए बराबर जो है कहीं कहीं जो लोगों का प्रेम है इस तरीके से उन्होंने अपना कार्य भी किया था कि लोग आज उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म में महिलाएं जो है घाट पर नहीं जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं से चाहने वाले हैं जो माता जी के प्रति उनका जो प्रेम था।